एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन पर, जहां आपने अब तक ना जाने कितनी अलग अलग फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस वाली वीडियोस देख ली होंगी। लेकिन आज हम आपको फैक्ट्री में आपकी एक ऐसी मनपसंद चीज को बनते हुए दिखाने वाले हैं, जिसके टेस्ट का मजा आप हर रोज लेते होंगे। ये है लेस पोटैटो चिप्स का पैकेट, जिसका नाम सुनकर आपके मुँह में पानी तो आ ही जाता है। तो आइए आज इस वीडियो में इसे फैक्ट्री में बनते हुए देखते हैं। और इसके अलावा वीडियो के एंड में एक और खास चीज आपका इंतजार कर रही है, और यकीन मानिए वो भी आपकी मनपसंद चीजों में से ही एक है। तो फटाफट बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और इस तरह की वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करके बगल में मौजूद उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो सबसे पहले हम फैक्ट्री में लेस पोटैटो चिप्स को बनते हुए दिखाने वाले हैं। दोस्तों, अब जो ये लेस कंपनी है, इनके पोटैटो चिप्स बनाने का तरीका बहुत अलग होता है, और अपने इन मजेदार पोटैटो चिप्स के अंदर ये खास किस्म के आलू का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें स्टार्च की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जिन आलू में स्टार्च ज्यादा होता है, उन आलुओं से बनने वाले पोटैटो चिप्स कुछ ज्यादा ही क्रंची होते हैं। इन आलुओं को सबसे पहले खेतों से तोड़ तोड़ कर फैक्ट्री में भर भर कर लाया जाता है। इन आलुओं को फैक्ट्री में पहुँचाने का काम बड़े बड़े ट्रक्स करते हैं। फैक्ट्री में आते ही इन्हें तीन बड़े बड़े कन्वेयर बेल्ट्स के जरिए आगे की तरफ भेजा जाता है, और धीरे धीरे करके ये बड़े से रोलर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर इनकी अच्छे से छटाई करी जाती है, जिसे आप एक तरह से सिलेक्शन प्रोसेस भी कह सकते हैं। यानी कि यहां से उन्हीं आलुओं को आगे भेजा जाता है जिनका डायामीटर 1.5 मीटर से कम होता है, और जिनका डायामीटर 1.5 मीटर से ज्यादा होता है, उन्हें शांतिपूर्वक बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। बस यहीं तक का था जो था। इन आलुओं में से जिनकी सिलेक्शन हो जाती है, उन्हें आगे होने वाली प्रक्रिया के लिए एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रख कर आगे भेज दिया जाता है। अब आगे इन आलुओं की अच्छे से धुलाई करी जाती है। जी हाँ, इन्हें साफ पानी के जरिए गुजारा जाता है, ताकि उनके ऊपर मौजूद दुनिया भर की गंदगी साफ हो जाए। तो भैया, आलू की तो हो चुकी है अच्छे से सफाई, और अब यहाँ से इन्हें एक ऐसी जगह भेजा जाएगा जहाँ इनके ऊपर के छिलकों को निकाला जाएगा। ये है पोटैटो पीलर मशीन, जिसका इस्तेमाल आलू के छिलकों को निकालने के लिए किया जाता है। ये मशीन बहुत बड़ी होती है और बड़ी जल्दी जल्दी आलू के छिलके को निकालने का काम करती है। ये पूरी मशीन लगभग 12 फीट की होती है, और इसके अंदर 5 सिलेंडर्स लगे हुए होते हैं, जो कि एक साथ घूमते रहते हैं। थोड़े ही समय के अंदर सभी आलुओं के ऊपर से उनके छिलकों को निकाल कर उन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे की तरफ भेजा जाता है। इन आलुओं की टोली अब सीधा कुछ लोगों के पास पहुंचती है, जिनका काम होता है इन आलुओं के बंडल्स में से हरे और कच्चे आलुओं को बाहर निकालने का। इनका ये काम बड़ा ही मेहनत वाला होता है, और जब एक एक करके इन आलुओं में से कच्चे और हरे आलू को छांटकर अलग कर दिया जाता है ना, तब इन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रखकर आगे भेजकर एक स्लाइडर मशीन की तरफ भेजा जाता है, जो कि 360 डिग्रीज एंगल पर घूमते हुए इन तमाम आलुओं की पतली पतली स्लाइसिंग करती जाती है। यहाँ पर आलुओं की स्लाइसिंग पर बड़ा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अगर इस दौरान इनका शेप इधर उधर हो गया, तो चिप्स के टेस्ट में भी काफी फर्क पड़ सकता है। इस स्लाइसर मशीन के अंदर से एक मिनट के अंदर लगभग 10,000 से भी ज्यादा स्लाइस हुए आलुओं के पतले पतले पीस बाहर निकलते हैं। अब इन आलुओं के स्लाइस को पानी में डालकर धोया जाता है, ताकि इनके ऊपर मौजूद जो एक्स्ट्रा स्टार्च है ना, वो निकल जाए। और अगर इनके ऊपर से इस स्टार्च को नहीं निकाला गया, तो आलू काफी सख्त हो जाएगा और इन्हें खाने में भी उतना मजा नहीं आएगा। इन्हें धोने के बाद थोड़े टाइम के लिए सुखाया भी जाता है, और अब वो घड़ी आ चुकी होती है जब इन्हें फ्राई किया जाता है। इन्हें फ्राई करने के लिए कॉटन सीड ऑयल या फिर वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। इन बड़े से फ्रायर्स के अंदर तेल का तापमान 350 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। इस बड़े से फ्रायर के अंदर इन आलू के स्लाइसेस को लगभग 3 मिनट तक फ्राई किया जाता है, और फिर इन्हें बाहर निकाल लिया जाता है। दोस्तों, आलू तो फ्राई हो चुके हैं, और अब इनके अंदर डाले जाने वाले फ्लेवर्स, जी हाँ, वही फ्लेवर जिसकी दुनिया दीवानी है। अब इन चिप्स को बड़े बड़े रोटेटिंग बैरल्स के अंदर भेजा जाता है, जहां पर ये घूमते रहते हैं, और इसी दौरान इनके ऊपर पहले से तैयार किए हुए फ्लेवर और मसालों को डाला जाता है। इन बैरल्स के अंदर हर एक स्लाइस के ऊपर बराबर का फ्लेवर आ जाता है, और इसके अलावा इन बैरल्स की स्पीड पर भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अगर स्पीड ज्यादा हो गई तो चिप्स टूट भी तो सकते हैं। यहाँ से अभी चिप्स को उनके पैकेट में डालने का काम शुरू किया जाता है, जो कि काफी सिंपल सा होता है। हाईटेक मशीनों की मदद से पैकेट के अंदर चिप्स को भरकर इसके अंदर थोड़ी सी नाइट्रोजन गैस डालकर इन्हें सील कर दी जाती है।
पैकेजिंग का काम जब खत्म हो जाता है तब बारी आती है लेस को टेस्ट करने की, और इस काम को बड़े ही सीरियस तरीके से अंजाम दिया जाता है। सबसे पहले तो टेस्टिंग प्रोफेशनल के जरिए चिप्स को टेस्ट किया जाता है और वो ये चेक करता है कि क्या लेस का टेस्ट सही है या फिर नहीं। यहाँ पर ये भी चेक किया जाता है कि चिप्स को बाइट करते समय क्या इसमें से क्रंचीनेस महसूस हो रहा है। इन तमाम बारीकियों को ध्यान में रखते हुए इन चिप्स की टेस्टिंग करी जाती है, और अंत में सब कुछ ठीक होने के बाद ही हरी झंडी दिखाकर लेस के इन पोटैटो चिप्स के पैकेट्स को मार्केट में उतार दिया जाता है। तो दोस्तों, ये तो हमने देखा कि फैक्ट्री में लेस के पोटैटो चिप्स कैसे बनाए जाते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमने आपको कहा था कि वीडियो के अंत में आपको एक और फेवरेट चीज दिखने को मिलेगी। दोस्तों, हम यहाँ कुरकुरे की बात कर रहे हैं। इस ब्रांड के दीवाने तो आप होंगे ही। अब चलिए इसको फैक्ट्री में बनते हुए भी देख लेते हैं। दोस्तों, कुरकुरे को 1999 में लॉन्च किया गया था, और तब से लेकर अब तक इसके टेस्ट के पीछे पूरा इंडिया पागल है। कुरकुरे को कोलकाता में मौजूद पेप्सिको के प्लांट में बनाया जाता है, और यहाँ सबसे पहले तो ढेर सारा रॉ मटेरियल फैक्ट्री में लाया जाता है। इस रॉ मटेरियल में तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं, जैसे कि राइस, कॉर्न, बेसन, सॉल्ट, वेजिटेबल ऑयल, चिली, हल्दी, ऑनियन पाउडर, जिंजर पाउडर, पेपर, और साथ में कुरकुरे वालों का स्पेशल मसाला जिसके बारे में वो कभी भी किसी को नहीं बताते। सबसे पहले तो इन तमाम रॉ मटेरियल्स के छोटे छोटे सैंपल्स को लेकर उनकी टेस्टिंग करी जाती है। अब एक बड़ी सी ब्लेंडिंग मशीन ली जाती है, और इसके अंदर पानी के साथ कॉर्न, चावल और बेसन को अच्छे से मिलाया जाता है। इस मशीन के अंदर कुरकुरे के इस मिक्सचर को अच्छे से तैयार किया जाता है। जब ये मिक्सचर अच्छे से तैयार हो जाता है तब इन्हें एक्सट्रूडर के अंदर भेज दिया जाता है। दोस्तों, अब आपको तो पता ही होगा कि कुरकुरे का जो शेप होता है ना, वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, और इनका ये शेप इसी एक्सट्रूडर मशीन के जरिए ही तैयार किया जाता है। इस बड़े से एक्सट्रूडर मशीन के अंदर से जब कुरकुरे बाहर निकलते हैं ना, तब उनका शेप कुछ इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा हो चुका होता है। अब यहाँ से इन्हें आगे भेजा जाता है, जिसके लिए इन्हें कन्वेयर के ऊपर रख दिया जाता है, और इन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है। अब आगे का काम थोड़ा और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब इन्हें अच्छे से तेल के अंदर डालकर फ्राई भी तो करना है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंटेनर होता है, जिसके अंदर इन टेढ़े मेढ़े कुरकुरे को फ्राई करने के लिए तेल ऑलरेडी मौजूद रहता है। धीरे धीरे करके इन छोटे छोटे कुरकुरे के टुकड़े को इस फ्रायर में डाल दिया जाता है, और इन्हें अच्छे से फ्राई किया जाता है। दोस्तों, कुरकुरे तो फ्राई हो चुका होता है, पर अब बारी आ जाती है इसके अंदर इनके चटपटे मसालों को डालने की, जिसके लिए इन्हें एक टम्बलर में डालकर मसालों के साथ इन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। ये देखिए, इनका अब रंग भी बिल्कुल कुरकुरे की तरह हो चुका है ना, और इनका टेस्ट भी अब खाने लायक हो गया है। अब यहाँ से इन्हें सीधा पैकेजिंग यूनिट में भेजा जाता है, जहाँ इनके आइकॉनिक कुरकुरे के पैकेट्स मौजूद होते हैं, और मशीनों की मदद से इन पैकेट्स के अंदर कुरकुरे को डालकर इन्हें अच्छे से सील कर दिया जाता है, और फिर इन्हें भेज दिया जाता है मार्केट की तरफ, जहाँ आप इन्हें खरीद कर इसके चटपटे टेस्ट का मजा उठाते हैं। दोस्तों, जाते जाते आपको ये भी बता दें कि इस फैक्ट्री के अंदर कुरकुरे के सभी फ्लेवर्स तैयार होते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की इस फैक्ट्री मेकिंग वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको लेज और कुरकुरे को बनता हुआ देख के काफी अच्छा लगा होगा। तो बस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए।